तो आज इस वीडियो में बात करेंगे टिकटॉक के निकाले हुए बेरोजगार लोगों की, जिनको कंधा दिया इंस्टा की रील्स ने। अब कहने को और दिखाने को तो यार बहुत कुछ है, लेकिन लिमिट में चीजें करनी पड़ेंगी। अब जब भी इंस्टा खोलता हूं तो यार ये इतने सारे मुजरे करने वाले सामने आ जाते हैं, ऐसे ऐसे फेक सोशल इन्फ्लुएंसर आते हैं जो हाथ से गोली मार रहे हैं। सच में किसी के सामने ऐसे रियल में मत कर देना, वरना हाथ तोड़ के कहीं और दे देगा वो। और साथ ही साथ इस वीडियो में भारत के उन बुद्धिमान लोगों की भी बात करेंगे जो इन जैसी वीडियोज में एंटरटेनमेंट खोज लेते हैं। नहीं, मुझे इसका कोई मतलब समझा दो यार, इससे हो क्या जाएगा? एक बार जरा तुम सोचो यार, इस वीडियो को बनाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, इसका जो कंटेंट सोचने के लिए इन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा। और ये नहीं कि तुम्हें इसको पसंद नहीं, क्या 186,000 बेवकूफ और जाहिल लोग हैं भारत में जो इस चीज को पसंद कर रहे हैं। वैसे वो जाहिल है या हम जाहिल है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यार ये अगर पॉपुलर है तो मुझे लगता है कि यार ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ या फिर जो भी यूट्यूब पे कंटेंट है वो तो बेकार ही है, असल में तो यही कंटेंट है। तुम्हें रियल में निब्बा निब्बी देखने तो इनको देखो, अबे देव को वो पीछे एक और तकिया रखा है उसे यूज कर लो। वैसे लगता है कि यार इन्होंने ये बेड किराए पे लिया ताकि एक वीडियो बना सके, और इनको कभी इतने तकिए एक साथ देखने को नहीं मिले, बेचारे अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाए। इसके माँ बाप ने सोचा होगा कि हाँ मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा, लेकिन इनको क्या पता था मोबाइल के आगे नकली शेर बन रहा होगा। अब असलियत में आ गया ना, वो इससे कहीं ज्यादा मुंह खुलवा देगा और आवाज कहीं और से निकलवा रहा होगा वो। अब हमारे देश में डिब्बा निब्बियों की कमी थोड़े ना है। तुम चले क्यों नहीं जाते हो मेरी जिंदगी से? परेशान हो गया हूं मैं तुमसे। जब एक बार चला गया था तो ये वापस कैमरामैन के पीछे से घूम के आने की क्या जरूरत थी? और ये साइड में लुक देख के तू क्या दिखा रहा है? इससे कूल बनेगा, इससे लुक दे रहा है तुम? अबे बहुत गंदा लग रहा है, सच में बहुत गंदा लग रहा है। वैसे इंटरनेट का एक फायदा तो है कि धीरे धीरे ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोगों का पता चल रहा है कि जो गधे हैं, अब इन जब दुनिया जब खत्म हो रही होगी ना, तब उनको ये पता चलेगा इन जैसे गधों की ना पहले जरूरत नहीं है, इनको हटाओ यार तुम। मैं बुरा हूं मैं मानता हूं, मगर मैं आपको भी जानता हूं। नहीं, तुम नहीं जानती, अगर जानती तो मेरा नंबर तुम्हारे पास होता और तुम्हारा नंबर मेरे पास होता। इस डायलॉग के ऊपर पूरा का पूरा इंस्टा भरा पड़ा है यार। मैं यार मतलब इतने सारे गधे हैं, एक गधे ने हगना शुरू किया, बाकी गधे गधियां हगने के लिए आ गए, क्योंकि यार उनको भी अपना बेवकूफी लिस्ट में अपना नाम रोशन करवाना है ना। अब जो जितने थे इन्होंने तो चलो इंस्टा पे अपनी रील्स बनाई, ओरिजिनल बनाई, कुछ तो बनाया, लेकिन कुछ महानुभाव इससे भी आगे निकल गए, उन्होंने अपनी टिकटॉक की वीडियो डालनी शुरू कर दी। ये देख इसको देख, टिकटॉक पे थोड़ा फेमस हो गया तो खुद को राजा समझ रहा है। सुन भाई, ना मैं राजा हूँ ना मेरी कोई कहानी है, फिर भी किस्मत देख पूरी दुनिया मेरी दीवानी है। अब अगर भारत में साक्षरता दर घटती है तो प्लीज यार गवर्नमेंट को इल्जाम मत लगाना, क्योंकि यार सरकार भी क्या करे, इन जैसे बेवकूफों को पकड़ कर अगर स्कूल में बिठाएगी तब भी ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि किताब किताब में तो कुछ है नहीं, मतलब ये रंगीन बाल करवाकर हरे हरे तोते बनके इनमें ये कूल ड्यूड दिखते हैं, असलियत में इनको इनकी गली के बाहर कोई जानता भी नहीं होगा। वैसे मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है, अपोजिशन इसका यूज कर सकती है। ये जितने भी टिकटॉकी हैं इनको 500-500 रुपए देके, नहीं 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 500 तो ज्यादा हो गए, 100-100 रुपए दे देते हैं, तो ये जितने भी टिकटॉकी हैं जो मंदबुद्धि हैं इनको 100-100 रुपए देकर प्रोटेस्ट में खड़ा कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इनको घंटा नहीं पता कि किसके विरुद्ध है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इनको तो अपने लाल बाल हरे बाल करवा के वहां पे प्रोटेस्ट में खड़ा कर देंगे। वैसे हरी भरी जनता देखेगी ना तो शायद प्रोटेस्ट का वजन भारी हो जाएगा। अब समझ में आया CA और NRC का विरोध करने वाले कहां से आए थे, सच में मतलब बहुत मेहनत की थी इन्होंने यार। टिटू बंद कर यार, जीना ही व्यर्थ है यार कसम से, ऐसी ऐसी चीजें देख रहा हूँ ना यार, बस बहुत हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।